बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये चीज आपने पहले भी बोली, आपका लुक थोड़ा सा ना खतरनाक टाइप वाला लुक है, बट आपसे बात करे तो आप यू आर वेरी स्वीट एंड बहुत अच्छे से आप कामली एक्सप्लेन करते हो। जैसे मैंने आपको बोला, वो लुक कभी कभी मैं ऐसा पोर्ट्रे करता हूँ, तो क्यों हर जगह स्वीट बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और हर मतलब किसी ने अगर सामने से स्माइल किया तो आप स्माइल करोगे, बट कभी आप ये भी सोचोगे कि भाई क्यों 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 स्माइल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। बट वो रहना पड़ता है, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन योर स्पेस एंड यू डोंट वॉन्ट पीपल टू डिस्टर्ब यू वेन यू आर इन योर स्पेस। और आई एम नॉट ट्राइंग टू लुक अग्रेसिव और एरोगेंट, हाउ पीपल हैव सेड। मैंने आपको बताया जब वर्कआउट कर रहा हूँ, आई एम सो इन टू माई वर्कआउट, मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है। तो वेन यू आर सो इंटरनलाइज इन द थिंग दैट यू आर डूइंग, इट्स लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड एग्जिस्ट बट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा, इट बी लाइक अ डेड एक्सप्रेशन, एंड दैट ऑफन मेक्स पीपल थिंक के ओ डरावना है या एरोगेंट है। और फिर लोग जब बात करते बोलते सर आप वैसे तो हो नहीं, मैं नहीं हूँ ऐसा। अभी आप मुझे उस टाइम पे आप आके कुछ पूछोगे तो वैसा वो एनर्जी आपको फील होगी, बिकॉज वो एनर्जी अभी मैं 140 का स्क्वाट कर रहा हूँ जो मेरे लिए ऑलरेडी काफ़ी डिफिकल्ट है, मैं अपना पूरा फोकस उसमें लगा रहा हूँ, अभी हंस हंस के थोड़ी मैं बैठूँगा। वो आपके एक फ्लो के, आप एक अलग ही लेवल पे डेप्थ पे काम कर रहा हो, आप सुपरफिशियल नहीं हो, आप उसके अंदर घुसे हुए। और वो हर एक प्रोफेशनल के साथ है, चाहे वो सिंगर है कि लॉयर है कि इंजीनियर है कि फिटनेस कोच है कि एथलीट है, व्हेन दे आर डूइंग व्हाट दे डू एंड दे आर इन देयर एलिमेंट, नथिंग एग्जिस्ट फॉर देम। राइट, फ्लो स्टेट बोलते हैं ना, ऑफकोर्स 100%। कोई सिंगर अपना रियाज कर रहा है, वो आप उसके सामने कुछ भी करो वो डिस्ट्रैक्टेड ही होगा, वो आपको अटेंशन ही नहीं देगा। तो दैट इज़ फॉर एनी थिंग, एनी पर्सन हु इज कम्प्लीटली इन देयर स्पेस, इन देयर जोन, वो उसका एनर्जी आपको, वो तो सबसे भोला आदमी भी वैसा करेगा तो आपको लगेगा कि यार कितना गुस्सा वाला है, तो नॉर्मल है, आना चाहिए, वो एक्चुअली आना चाहिए। प्रॉब्लम ये कि हम मैक्सिमम लोगों को, हम लोग को आता नहीं हो वो जोन में रहना, वो एक अलग उस डेप्थ में रहना सीख, उसको ही फील कर रहा है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली अगेन डिस्ट्रैक्टेड, जैसे आपने बताया पहली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।